तो हाय नमस्कार, मैं हूँ रासारिया। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है टैग विद रासारिया और आज है मेरे पास पोटोनिस कंपनी का न्यूली लॉन्च स्पीकर डैश 6, जो कि इस तरह की पैकिंग के अंदर आता है। ये 15 वाट का स्पीकर है और लुक आप देख ही पा रहे हो किस तरह की लुक है। थोड़ा अलग डिफरेंट तरह की लुक है। जो पुराने जमाने में लाइटें वगैरह आती थी, फ्लेम लाइटें, उस तरह की लुक दिखा दे रही है और काफ़ी सारे फीचर्स है इसके अंदर, जो वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख पाओ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये आज का हमारा मेन प्रोडक्ट पोटोनिस कंपनी का स्पीकर डैश 6, जो कि इस तरह के लुक के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर। और कंपनी मेंशन करती है 15 वाट ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर विथ फायर फ्लेम LED लाइट्स। जैसे आप देख ही पा रहे हो किस तरह के लुक दे रखी है स्पीकर की। यहाँ फ्लेम लुक दे रखी है, पुराने जमाने में जो लाइटें आती थी उसी तरह के लुक है स्पीकर की। और गाइस अगर फीचर की बात करें, 15 वाट HD साउंड है, बिल्ट इन नेचुरल साउंड है इसके अंदर, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट दे रखा है। और गाइस यहाँ मेंशन करती है कंपनी IPS65 वाटर रेजिस्टेंट एंड डस्ट प्रूफ, और 2x साउंड आउटपुट भी है, यानी कि TWS पेयरिंग भी है इसके अंदर, यानी कि आपके पास एक और डैश 6 है तो दोनों को आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और 6 आवर्स का प्ले टाइम विद LED लाइट्स ऑन की कंपनी क्लेम करती है। एडजस्टेबल LED लाइट्स है इसके अंदर, कस्टमाइजेशन कर सकते हो मोड और लाइटिंग के ऊपर आप। और MRP की बात करें, MRP आती है तकरीबन 2,999 रुपये, 1 साल की वारंटी थी प्रोडक्ट के ऊपर, कंट्री ऑफ ओरिजिन है चाइना। तो गाइस ये पोटोनिस कंपनी का डैश 6 फ्लैश अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं स्पीकर किस तरह का है। तो इसको निकाल लेते हैं बॉक्स से बाहर एक बार। और सबसे पहले आता है इसके पैकिंग, इसको निकालते हैं बाहर। ये आता हमारा स्पीकर इस तरह के लुक के अंदर और काफ़ी अच्छी लुक दिख रही है स्पीकर की। प्राइस रखते हैं साइड में, बात करते हैं एसेसरी में क्या दे रही कंपनी। तो एसेसरी में है अपनी एक केबल जो है USB 2 CTI केबल, जिसे इसको चार्ज कर सकते हो स्पीकर को आप। प्राइस रखते हैं साइड में और साथ में आता है एक यूज़र मैनुअल, जहाँ की सारी सेटिंग्स दे रखी हैं, फीचर के बारे में बता रखा है, जिसको पढ़ के आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। फिलहाल इसको रखते हैं साइड में, इसकी हमें जरूरत नहीं फिलहाल अभी। और तो ये है हमारा स्पीकर को इस तरह के लुक के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छी लुक दे रखी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी अच्छी है। प्लास्टिक की जो बिल्डअप है, बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ऊपर यहाँ पर स्ट्रैप दे रखा है, जिसलिए आप इसको लटका सकते हो लालटेन की तरह ना, जो पुराने जमाने लालटेन आती थी जो घर के बाहर से लटकी रहती थी, उसी तरह की लुक दे रखी है इसकी प्रॉपर। तो ये है अपना डैश 6, यहाँ पर दे रखा है पोटोनिस की ब्रांडिंग, जब देख सकते हो यहाँ पर। और ये काफ़ी अच्छी लग रही है देखने के अंदर, जो इसकी उसकी बिल्डअप जो मटेरियल है काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को देखने के अंदर, काफ़ी हैवी है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी दे रखी है, प्लास्टिक मोड काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर दे रखे हैं पोटोनिस की ब्रांडिंग जो काफ़ी अच्छी लग रही है विद लोगो है। ऊपर देखने का फीचर आप देख सकते हो यहाँ पर, और यह इसका मोड ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पावर ऑन ऑफ है, यहाँ पर आप इसको लाइट को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर एक और टाइमर दे रखा है इसके ऊपर, और यह है आपके ऑन ऑफ का ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर काफ़ी। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे मोड्स हैं जो मैं बताऊँगा वीडियो में आगे आपको। और स्पीकर के फर्स्ट लुक तो काफ़ी अच्छी है, देख सकते हो आप यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और यहाँ पर देखा है इसका फिलहाल चार्जिंग पोर्ट, और बैक साइड में इसका चार्जिंग पोर्ट आप देख सकते हो यहाँ पर, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है जहाँ से स्पीकर को चार्ज कर सकते हो। और बाकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी है बैक साइड में। तो नीचे की तरफ इस तरह का दे रखा है, देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर ग्रिल सी दे रखी है, और नीचे एक हल्के से स्टैंड दे रखें जो आपको बेस पर रखने के लिए काम आएगा। तो फिलहाल स्पीकर ऑन करते हैं, देखते हैं लुक किस तरह की है। वाओ, तो स्पीकर लुक काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी ऐसे फ्लेम जो दिख रहा है, काफ़ी अच्छा जो प्रॉपर लाइट होती है, जो आग की लाइट होती है उस तरह की दिख रही है इसकी लाइट, जो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने के अंदर। आप देख सकते हो फ्लेम लाइट जो होती है प्रॉपर वैसी लुक दे रही है। और मुझे तो स्पीकर फर्स्ट में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के अंदर। तो आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा हो देखने के अंदर ये। और इस तरह के हैं इसमें मोड्स, अगर चेंज करें लाइट्स में मोड्स कौन कौन से आते हैं। अभी ये आपके जो फ्लेम हो रहा है, अगर फ्लेम की जो रोशनी होती है कम ज़्यादा होती है तो उस तरह का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इसका मोड जो लाइटिंग बटन, अगर इसको प्रेस करता हूँ एक बार तो ये स्टिल हो गई है। अभी यहाँ ब्लिंक जो कर रही थी लाइट, जो कम ज़्यादा हो रही थी वो नहीं हो रही है। और जब दोबारा क्लिक करते हैं यहाँ पर थर्ड बार, तो ये लाइट को बंद कर सकते हो आप। चाहो तो लाइट को बंद कर सकते हो, चाहो तो फ्लेम पर रख सकते हो, चाहो तो फ्लेम को स्टिल मोड पर रख सकते हो। तो इस तरह के फीचर दे रखें। तो गाइस मोड्स में काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं, मोड्स में आप इसको मोड बलून मोड पर ला सकते हो, अपने जो नेचर साउंड जो कंपनी क्लेम करती है उस पर ले जा सकते हो। और साथ में इसमें टाइमर वगैरह का ऑप्शन है, वो टाइम भी इसमें इजली इसको लगा सकते हो। तो मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पर, देखेंगे आप, ये देखिए आप सुन पा रहे हो। तो ये नेचर मोड जो है, नेचर का साउंड आता है उस तरह का आ रहा है। और इसको चेंज करना चाहते हो तो वॉल्यूम को जो अप बटन है इस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो किस तरह के यहाँ पर अलग साउंड क्वालिटी अलग चेंज हो गई है। तो हम लाइट को ऑन कर लेता हूँ, लाइट से क्या है इसकी लुक काफ़ी अच्छी दिख रही है। फिर प्रेस करता हूँ यहाँ पर, ये तीसरे नंबर की है, अब देखो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ में आ रही है, देखो एक अलग तरह की साउंड क्वालिटी है। तो 5 डिफरेंट तरह के साउंड है इसके, नेचर साउंड जो इसमें इजली और लगा सकते हो। तो गाइस अगर यहाँ टाइमर ऑप्शन दे रखा है, अगर टाइमर पर फर्स्ट क्लिक करता हूँ 30 मिनट के लिए फ्लेम की जो है आपकी लाइट्स का टाइमर लग जाता है, 30 मिनट से ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। करते हैं 60 मिनट के लिए भाई टाइमर लग जाता है, और फिर प्रेस करते हैं तो 90 मिनट के लिए बैकअप लग जाता है, और फिर प्रेस करते हैं तो इसका बैकअप हट जाता है, फिर कंटिन्यू इसके स्पीकर को चला सकते हो। ब्लूटूथ मोड,
तो गाइस अभी लूडो मोड के ऊपर है, योर डिवाइस इज रेडी टू पे। तो गाइस ये लूडो मोड के ऊपर आ गया। फिलहाल पेयर करते हैं फोन के साथ और चेक करते हैं साउंड क्वालिटी किस तरह की है। हमारे डैश 6 स्पीकर की 15 वाट कंपनी क्लेम करती है साउंड आउटपुट, और जो इसकी लुक है लुक ही में काफ़ी अच्छी लग रही है, देखने के अंदर काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको कहीं भी हैंग कर देते हो तो काफ़ी अच्छी लुक देती है, एक रेट्रो लुक होती है जो उस तरह की लुक दे रही है। तो गाइस फिलहाल साउंड चेक करते हैं साउंड किस तरह का है, और लुक में तो मुझे 100/100 पॉइंट दूंगा इसको, काफ़ी अच्छी लग रही है लुक देखने के अंदर, और काफ़ी यूनिक लुक है, काफ़ी अच्छा देख रहा है देखने के अंदर, और जो बिल्ड मटेरियल वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो फिलहाल चेक करते हैं फोन से कनेक्ट करके साउंड क्वालिटी किस तरह की है। देख रहे हो साउंड क्वालिटी किस तरह के, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बेस काफ़ी अच्छा आ रहा है, मुझे वोकल भी काफ़ी अच्छा लगा इसका, आई होप आपको भी अच्छा लगा। तो गाइस काफ़ी लोगों को मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि मैं वीडियो में प्राइस नहीं बताता, तो इसको प्राइस बताता हूँ। ऑनलाइन पे तकरीबन ये आपको 2900 रुपये का मिलता है, और ऑफलाइन इसको लेने जाते हो तो 2500 से 3000 तक के इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है लोकल मार्केट के अंदर। बेची दे रखी है इसके अंदर, आप टाइमर सेट कर सकते हो, ब्लूटूथ पर जा सकते हो, अगर म्यूजिक नहीं चलाना तो नेचर साउंड भी आप इजीली प्ले कर सकते हो। तो गाइस अगर आप इसे लेना चाहते हो तो बेस्ट पाइलिंग डिस्काउंट डाल दूँगा, परचेज कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी वीडियो लेके आता रहूँ। तो मिलते हैं जल्दी वीडियो के साथ नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।